हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ निसान की टेरेनो, जो कि यहाँ पे पीछे खड़ी है सिल्वर कलर में। और ये वाला जो मॉडल है मेरे पीछे वो एक डीजल में एक्सल मॉडल है। अगर आपको पता नहीं होगा तो जो निसान की गाड़ियाँ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है, इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है वो भी काफ़ी एवरेज सी रहती है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो निसान की तरफ से गाड़ियाँ आती है ये एक बजट फ्रेंडली गाड़ियाँ रहती है। इनके अंदर जो फीचर्स रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो ये निसान की टेरेनो देखने वाले हैं, ये एक 2014 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और 60,000 किलोमीटर चली हुई है। इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छी कोट की है, काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस है। तो इस वीडियो के अंदर जो हम इस गाड़ी की पूरी कंडीशन देखने वाले हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी जो प्राइस है वो क्या है, इसके ऊपर आपको फाइनेंस को भी ऑप्शन मिलता है तो आपको कितने प्राइस तक जो है वो इसके ऊपर फाइनेंस करते आएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बिना वक्त ज़ाया करे इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये है निसान की टेरेनो, इसके आप एक बार पहले कंडीशन देख लीजिए। मैं आपको सबसे पहले इसको बाहर से दिखा देता हूँ। तो सामने के साइड में आपको थोड़ी सी जो वो क्रोम की फिनिश मिलती है, इसके जो हेडलैम्प्स है ये हेलोजन हेडलैम्प्स है और यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनकी भी आप एक बार प्रोफाइल देख सकते हैं। ये जो अलॉयज है ये 16 इंचेस के, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साइज़ के आपको इसके अंदर अलॉयज मिल जाते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखें तो आपको एक फुट स्टेप भी नीचे मिल जाती है, क्योंकि इस गाड़ी की जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे एक फुट स्टेप देखने को मिलती है, इसके ऊपर आप पैर देखे ऊपर चढ़ सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी आपको चीज़ मिलती है। तो एक बार आप इस गाड़ी की पूरी साइड से कंडीशन देख लीजिए, आपको इसके ऊपर हार्डली कोई स्क्रैच देखने को मिलेगा, मतलब हल्के फुल्के स्क्रैचेस है पर आपको इसके ऊपर मेजर कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिलने वाला। पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल की आपको बैजिंग मिलती है, प्योर ड्राइव DCI, क्योंकि ये एक डीजल गाड़ी है। पीछे से भी काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। तो एक बार मैं आपको इस गाड़ी की बूट भी खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसकी बूट स्पेस देख सकते हैं, आपको काफ़ी इसके अंदर बड़ी बूट स्पेस मिल जाती है। नीचे आप यहाँ पे देखें तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इसका जो स्पेयर व्हील है वो इस गाड़ी के नीचे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे के साइड से इसका जो स्पेयर व्हील है वो आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको एक सर्विंग ट्रे वगैरह मिलता है, जिसके ऊपर आप और भी कुछ सामान रख सकते हैं। अभी हम बूट क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे आपको रेयर साइड में डिफोगर्स और रेयर वाइपर भी मिल जाता है और यहाँ पे एक विंडशील्ड वॉश करने के लिए स्प्रे भी दिया है। और अगर आप दूसरी साइड से भी इस गाड़ी को देखें तो दूसरी साइड से भी आपको इसके ऊपर हार्डली कोई स्क्रैच देखने को मिलेगा, आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी दूसरी साइड से भी देखने को मिल जाती है। अभी मैं इसको आपको अंदर से एक बार दिखाता हूँ कि आपको अंदर किस तरह की कंडीशन मिलती है। एक बार मैं आपको इसके अंदर बैठ के दिखाता हूँ। तो मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरी हाइट 6 फीट से है तो मुझे हर गाड़ी में बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर इस गाड़ी में सीट पीछे करने के बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेग स्पेस है, जो मतलब पैडल के ऊपर पैर रखने की जगह है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट सी आपको जगह यहाँ पर मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स है, तो आपको यहाँ पे दो दो ग्लव बॉक्स मिलते हैं। ऊपर भी आपको थोड़ी सी स्टोरेज के लिए स्पेस मिलती है, यहाँ पे भी आप कुछ फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और ये गाड़ी मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट नहीं मिलेगा, आपको की ही यहाँ पे लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी जो ये 70,000 किलोमीटर चली हुई है और यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड 200। बाकी जो इंटीरियर है वो आप देख सकते हैं, एक डिसेंट से आपको क्वालिटी के साथ ये इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिलता है। सीट जो है ये लेदर में है, क्रीम कलर के लेदर में, और ये है इसका स्टेरियो। तो स्टेरियो भी आपको विद ब्लूटूथ आता है तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे एक बार आप इसका गियर नॉब भी देख लीजिए, जैसे कि एक मैनुअल गाड़ी है तो इसके अंदर आपको 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स आता है और जो हैंड ब्रेक है वो भी मैनुअल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। बीच में एक बटन दिया है, ये किसका है मैं आपको बोलता हूँ। ये जो साइड मिरर्स है ये इससे ऑपरेट होती है तो आपको काफ़ी इजीली एक्सेस मिलता है वहाँ से, ड्राइवर को जो वो काफ़ी इजीली एक्सेस मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा। और अभी मैं आपको एक बार पीछे के साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। आप कंडीशन पूरी देख सकते हैं, पीछे से भी आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ ही गाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर हैंड रेस्ट एक,
और जो मतलब पीछे की भी लेग स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप पीछे के साइड में भी लेग स्पेस देख सकते हैं। मैंने सीट जो है ये अपने हिसाब से पीछे की है, तभी भी मुझे इतनी अच्छी जो यहाँ पे लेग स्पेस मिली है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी हम बाहर जाते हैं और इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि किस प्राइस के साथ ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये थी निसान की टेरेनो 2014 का मॉडल था और एक डीजल मॉडल था, डीजल में एक्सल मॉडल था। तो आपने इसकी पूरी कंडीशन देखी, आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में बात करूँ तो जैसे कि ये एक फर्स्ट ओनर गाड़ी थी, तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो कोट की है 5.5 लाख रुपये, 5,50,000 रुपये, जो कि एक नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। मुझे प्राइस डिसेंट सी लगी, मतलब कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। तो अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं, और जैसे कि प्राइस नेगोशिएबल है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आके या कॉल करके भी जो प्राइस है उसके अंदर नेगोशिएट कर सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि मेरा बजट थोड़ा कम है तो ये गाड़ी मेरे बजट में नहीं बैठेगी, या नीचे गालियाँ भी मत डालो। आप इस गाड़ी की प्राइस के अंदर जो नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपनी प्राइस रख सकते हैं, क्योंकि नासिक में जो है वो नेगोशिएशन के लिए काफ़ी अच्छा गैप रहता है। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप यहाँ पे आके ज़रूर विज़िट करें, या यहाँ पे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट करके इस गाड़ी की जो वो आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग सेकेंड हैंड कार्स के वीडियो जो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।